नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं मनीषा तिवारी। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। अयोध्या में समाज सेवी शिवेंद्र सिंह द्वारा गरीब असहाय और गरीब बच्चों को कंबल, कॉपी और किताबें बांटी गई। इस दौरान गन्ना समिति के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह के साथ साथ कई अन्य सम्मान्य लोग मौजूद रहे। समाज सेवी शिवेंद्र सिंह ने बताया कि आजकल लोग पैसा बहुत कमाते हैं और बड़े बड़े मॉल में जाकर उसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। वहीं अजय प्रताप सिंह ने समाज सेवी शिवेंद्र सिंह द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि गरीब मजलूमों की मदद करना सराहनीय कार्य है। हम दोनों भाइयों को, शिवेंद्र और दीपेंद्र को, धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यों की बहुत ज़रूरत है। आजकल लोग सब रुपया पैसा कमाते हैं, अपना लखनऊ में शॉपिंग मॉल में कॉम्प्लेक्स में जाके पैसा बर्बाद करते हैं। गरीबों के बारे में सोचने के लिए किसी समय नहीं है। हम लोग इस उम्र में 25 साल 26 साल बर्गर खाते हैं और घूमते हैं, उसको छोड़ के आज हम लोग इस उम्र में ही समाज की सेवा में लगातार ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं। आप लोग को जानकारी होगी, इसके पहले भी कंबल वितरण समारोह से लेके दवा वितरण, तमाम ग्राम सभाओं में जाके हम लोग दवा वितरण, ऐसे ऐसे लोग दवा वितरण में हमारे सामने आए जिनको देख के इतना कष्ट हुआ कि छोटी छोटी इलाज, जिनका नॉर्मल 150 रुपये में जिनकी दवाइयाँ मिल जाती थी, उसको दो दो साल से पाले बैठे थे। किसी डॉक्टर ने देख के किसी मरीज को कहा इसकी तो आँख खराब हो जाएगी। दो दो साल से लोग छोटा छोटा इलाज नहीं करा पा रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। बच्चों को हमने देखा, उनके पास पढ़ने के लिए कापी किताब, डोमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम हम लगातार करते आए हैं और दूसरी दूसरी ग्राम सभा में जाके बड़ा बड़ा कार्यक्रम लगा रहे हैं, फैजाबाद से लेके तमाम बड़ी बड़ी जो ग्राम सभाएं हैं सब जगह, और ये लगातार हम लोग इस तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। बच्चों के लिए आप देखें, हजारों बच्चे यहाँ पे हैं जिनको, और इनके स्कूल में भी जा जा के हमने बांटा। चूँकि आज संडे है इसलिए सारे स्कूल नहीं खुले थे, तो 700-800 बच्चे यहाँ आए। 1000 बच्चों के लिए हमने कापी किताब, कलर बॉक्स, डोमेट्री बॉक्स, उसमें जो डोमेट्री बॉक्स में पटरी पेंसिल आती है, सारी व्यवस्था, और हजारों लोगों के लिए कंबल की सारी व्यवस्था। और ये कार्यक्रम यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ता जाएगा। एक बड़े पैमाने पर हो गया, अब ग्राम सभा में जा जा के हम लोग कंबल बांटेंगे। हम लोग अपनी गाड़ी में लेके 4-4, 5-5 गाड़ी में भर के हर ग्राम सभा में जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होगी, इस प्रकार काम लगातार हम लोग आगे करते रहेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।